अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम बनाने लगे हैं मोमोज और मोमोज की चटनी। तो आप भी बनाइएगा मेरे आसान तरीके से। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मोमोज के लिए सब्जियां तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आधा कप पत्ता गोभी, आधा कप गाजर घस ली है, आधा कप शिमला मिर्ची है, यहाँ पे है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची। तो लहसुन की दो तीन कलियाँ, थोड़ा सा अदरक और एक हरी मिर्ची मैंने ली है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक हाफ प्याज ले लिया है, थोड़े से स्प्रिंग अनियन वाले पत्तियाँ हैं। तो चलिए ये सारी सब्जियों को बाउल में डाल लेते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगी आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर। और सब्जी अगर आपके पास कम है तो आप कम भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ डालूंगी आधा चम्मच नमक। अब इसे अच्छे से करूंगी मिक्स और ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि जो ये हमने सब्जियों का पानी है ना, नमक की वजह से अलग हो जाए। तो चलिए मैंने आधा कप पानी गर्म कर लिया है और ये चार ले लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए आपको कितनी चटनी बनानी है। मैं तो बहुत थोड़ी चटनी बनाऊंगी अभी, बस मोमोज के साथ खाने के लिए। तो चार कश्मीरी लाल मिर्ची ले ली। अगर आपको यह ना मिले तो आप नॉर्मल मिर्ची से भी आराम से बना सकते हैं। तो मैं इनको क्या करती हूँ, थोड़ा सा एक बॉईल आने देती हूँ और फिर गैस को कर देती हूँ बंद। 10 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगी। एक कप मैंने मैदा ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे नॉर्मल पानी से आटा लगा लेते हैं। तो देखिए एक मीडियम आटा लगाई हूँ, ना सख्त है ना नरम। अब इसको ढक के रख देती हूँ एक 10 मिनट के लिए। तो मोमो की चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने लिए हैं तीन टमाटर मीडियम साइज के, आप बड़े लेंगे तो दो ही बहुत है, और तीन कली लहसुन की ली है, और ये जो हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है ना, ये ले लेते हैं। अब इनका एक बारीक पेस्ट बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो मैंने चटनी को पूरा छन्नी से छान लिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल लिया मिक्सर के डब्बे से। अब अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए चटनी को अच्छे से बॉईल आ गया है, और अब इस समय हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और अगर आपको लगता है कि इसमें तीखा कम है तो आप लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। और मैं डालूंगी यहाँ पे आधा चम्मच, एक चम्मच मैगी मसाला डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा। तब इसे थोड़ी देर पकने देती हूँ स्लो गैस पे। तो हमने पूरे मिश्रण को ले लिया एक सूखी कपड़े में, ताकि हम इसे निचोड़ सके। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना, अब हम पूरा निकाल देंगे। ये देखिए कैसे इसका पानी ऐसे आराम से निकल जाता है। तो आप भी ऐसे ही निकाल लीजिएगा। दिखा दे। तो अब आटे को अच्छे से मल लेंगे। तो देखिए चटनी हमारी इतनी थिक हो गई है, और अब बस करते हैं गैस को बंद। तो चलिए बेलना स्टार्ट कर देते हैं। एकदम पतले बेलने हैं आपको, किनारे तो बहुत ज़्यादा ही पतले करने हैं। और अगर आपको शेप का टेंशन है तो आप एक कटोरी या ग्लास की मदद से कट कर लीजिए। तो अच्छे से बेल लेंगे हम, सूखा मैदा लगा के ही बेलेंगे हम इसे। तो देखिए तैयार कर लिया। एक चम्मच फिलिंग भरी है इसके अंदर मैंने, ज़्यादा फिलिंग भी हमें नहीं भरनी है। और प्लीज डाल लें इसके, प्लीज डालते हुए आपको इसे पकड़ना है और बस। तो ये एक हमारा मोमो नॉर्मल जो बाजार में मिलता है वो तैयार कर लिए हैं। अब एक और मैं आपको सिखाती हूँ बनाना। एक चम्मच फिलिंग डाल लेते हैं। प्लीट्स देंगे, दो प्लीट दे दिए हैं, तीन चार, और यहाँ दबा देंगे। और ये मोमो को यहाँ पे, ज़्यादा मोमो तो बनाती नहीं हूँ मैं, कभी कदार ही बनाती हूँ, तो जो शेप आता है ना बस वही बना लेती हूँ। तो ये दूसरा शेप है, चाहे तो आप यहाँ पे दबा दीजिए। देखिए मुझे तो ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ मैंने तीन प्लेट्स डाल लिए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और अब इसे ऐसे ऐसे आपको चिमटी की मदद से दबाना है। ये देखिए ये भी एक शेप है, मुझे यही आसान लगता है। मैं सब बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए मैंने स्टीमर तैयार कर लिया, कढ़ाई के अंदर एक कटोरी रख दी है और मैंने छन्नी ले ली है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल लगा दिया ताकि मोमो चिपके नहीं, और थोड़ा दूर दूर पे हम मोमो रखेंगे। और इसे 10 मिनट के लिए हम इसे स्टीम होने देंगे, ढक्कन ढक देती हूँ अच्छे से। देखिए 10 मिनट हो गया है और ये हो गए, जैसे ट्रांसपेरेंट होएंगे ना, जैसे सब्जियां दिखाई देने लग जाएंगी। देखिए कितने अच्छे से माशाल्लाह निकल रहे मोमो, तो आप भी ऐसे ही बनाइए। तेल लगा देने से क्या होता है ना, ये चिपकते नहीं, तो आप भी ऐसे ही तेल लगा के बनाइएगा। तो चले करते हैं सर, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए तैयार है हमारे मोमोज और चटनी, तो आप भी कीजिए एंजॉय। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।